यीशु अपनी सेवा शुरू करते। शैतान की परीक्षा को इनकार करने के बाद यीशु वापस गलील के क्षेत्र में आईस या वाच जागा आए जहां हूँ रहत होतीस। पवित्र आत्मा ओ को बहुत शक्ति दे होतीस और यीशु एक जागा से दूसरे जागा को गईस और लोग नाउन को शिक्षा दे। सप्पाई लोग नाउन ने ओ के बारे में साजरी बात कही। यीशु नासरत नगर में गईस यहू गांव आए जहां हु अपने बालकपन में रहत होतीस। सबत के दिन हु आराधना करण के जागा पे गईस। अगुआ नाउन ने ओ को यशायाह भविष्यवक्ता के संदेश की एक किताब देन ही चाहत होतीन कि हु ओके में से पढ़े। एके गुना यीशु ने वह पुस्तक को खोल के ओके एक भाग को लोग नाउन के गुना पढ़ीस। यीशु ने पढ़ीस, परमेश्वर ने मो को अपनी आत्मा देस है ताकि मैं गरीब लोग नाउन को सुसमाचार प्रचार करूं। ओने मो को एके गुना भेजिस है कि कैदी नाउन को आजाद करूं, अंधरे लोग नाउन को दोबारा से ज्योति देऊं और हुन को छुड़ाऊं जिनको दूसरे लोग नाउन कुचल रही नहत। यो हु समय आए जब परमेश्वर हमारे पे दया करे और हमारी मदद करे। तब यीशु बैठ गईस। सपाई लोग ओ को बड़े ध्यान से देखत होतीन ही जानत होतीन कि पवित्र शास्त्र को जो भाग ओने अभी पढ़े होतीस हु मसीह के बारे में होतीस। यीशु ने कहीस, जो बात मैंने अभी तुम्हारे गुना पढ़े महम या समय घट रही है। सप्पाई लोग चकित होतीन। उनने कहीन, का यो यूसुफ को टूरा नो है? तब यीशु ने कहीस, यो सही है कि लोग कई ऐसे भविष्यवक्ता को कभी स्वीकार नहीं करत जो हुन के नगर में पलिस बड़िस होए। एलिया भविष्यवक्ता के समय में इसराइल में कई सारी विधवा बाई होती, पर जब 3.5 साल तक बारिश नहीं भई तो परमेश्वर ने एलिया को इसराइल में कोई विधवा की मदद करन के गुना नहीं भेजिस। एके बजाय ओने एलिया को कोई दूसरे देश की विधवा के जवर भेजिस। यीशु ने बोलना शुरू रखिस और एलिशा भविष्यवक्ता के समय में इसराइल में कई लोग चमड़ी के रोग से बीमार होतीन, पर एलिशा ने उनके में से कोई को भी साजरो नहीं करिस। ओने सिर्फ इसराइल के दुश्मन नाउन के सेनापति नामान को साजरो करिस, पर जो लोग यीशु को सुनत होतीन ही यहूदी होतीन। एके गुना जब हुन्ने ओ को यो कहत सुनीन तो ही ओके पे गुस्सा भईन। नासरत के लोग नाउन ने यीशु को पकड़ लेन और ओ को आराधना के जागा से घसीट के बाहर ले गईन। ही ओ को मार डालन के गुना खल्ले फेकन को एक चट्टान के ऊपर ले गईन, पर यीशु भीड़ में से निकल गईस और नासरत नगर को छोड़ के चलो गईस। फिर यीशु पूरे गलील के क्षेत्र में गईस और बड़ी गर्दी ओके जवर लाए गईन। ही ऐसे बहुत से लोग नाउन को ले के आईन जो बीमार और विकलांग होतीन। उनके में से कई देख चल सुन या बोल नी सकत होतीन और यीशु उनको साजरो करिस। एके अलावा कई ऐसे लोग यीशु के जवर लाए गईन जिनके में भूत होतीस। यीशु ने भूत नाउन को उनके में से निकल जान को हुकुम देस। ही भूत नाउन हमेशा चिल्लात होतीन कि तू परमेश्वर को तुरास। गर्दी के लोग चकित भईन और उनने परमेश्वर की बड़ाई करीन। फिर यीशु ने 12 मानुष नाउन को चुनिस, ओने उनको अपने प्रेरित कईस। ही प्रेरित नाउन ने उनके संग यात्रा करीन और ओके शिक्षा को पाइन।